हेलो रिदम। आप क्या कर रहे हो? बेटा अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे कुछ पूछना हाँ है अभी? हाँ अभी अच्छा पूछो। पापा, आपको याद है आपने मुझे लास्ट मंथ कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया था? हाँ दिया था आपके लिए, मैंने कुछ अमाउंट से इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी। हाँ तो पापा, मुझे ये पूछना है कि मेरे पास अभी कितने रुपए हैं और अभी मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ है। अच्छा तो ये पूछना है। हाँ चलो ठीक है बताता हूँ। अब आप ध्यान से सुनना, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप वहाँ बैठो, मैं आपको सारे सवालों के जवाब देता हूँ। अच्छा ठीक है पापा। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों हमने लास्ट मंथ मेरे बर्थडे को, जो कि 16 सितंबर को था, उस दिन मैंने अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके उनके लिए इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी। और आप लोगों से भी अपील की थी कि आप भी अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से शुरुआत करें। अपने बच्चों के लिए भी उनकी यंग एज में आने तक पैसों का एक भंडार बनाएं और अपने बच्चों को के अंदर भी सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालें, ताकि शायद उनमें से कोई, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं उनमें से हर कोई लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे की तरह एक अच्छा इन्वेस्टर बन जाए। दोस्तों उसी कड़ी में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें इन सब बातों से ही रिलेटेड हम और कुछ भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा कि रिदम मुझसे अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों की करंट वैल्यू पूछ रही थी। बेशक वो अभी छोटी है, लेकिन यह एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है और आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए वो भी वैसा ही सोचेगी जैसा आप सोचते हैं। दोस्तों ये सभी के साथ होता है कि हम अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर डे वन से ही रिटर्न देखना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये सिर्फ आप करते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन लॉन्ग रन में पैसा वही कमा पाता है जो लॉस और प्रॉफिट को देखने के बाद भी रिएक्ट ना करता हो। मतलब शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिटर्न हो, उसको प्रभावित ना करता हो और इनके आधार पर वो इन्वेस्टमेंट से एग्जिट ना करता हूँ। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, 16 सितंबर के बाद से मैंने अभी तक इन्वेस्ट किए हुए पैसों को वापस से खोल के नहीं देखा है कि उसमें कितना प्लस है कितना माइनस है। दोस्तों ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में ही या तो फिर रोक देते हैं या फिर बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मिस्टर रवि जो दिल्ली से हैं, शायद आपने इनके बारे में सुना होगा या फिर जी बिजनेस के शो में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इनके दादाजी ने 1990 में MRF के 20,000 शेयर्स लिए थे और उनको लंबे समय तक होल्ड किया। जब मिस्टर रवि ने MRF के फिजिकल सर्टिफिकेट को डीमटलाइज करने के लिए जी बिजनेस के टीवी शो पर फ़ोन किया तो उनके एक शेयर्स का दाम लगभग 64,000 रुपये था, यानी कि इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू लगभग 130 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों आपको इस एग्जाम्पल से तो जरूर समझ में आ गया होगा कि लंबे समय तक होल्ड करने पर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न अच्छा मिलता है। चलो मान लेते हैं कि सभी इन्वेस्टमेंट MRF की जैसे मल्टीबैगर नहीं होते, लेकिन लंबे समय में सभी अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा ही देते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सभी रिटर्न को बार बार ना देखें, इससे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट से भी एग्जिट कर सकते हैं अगर आप बार बार देखते हैं तो। हाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट को केवल उन पैरामीटर्स के आधार पर रिव्यू कीजिए जिनके आधार पर आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर। तो रिदम अब आप इधर आ जाओ, बहुत देर से मेरी बातों को सुन रहे हो, अब मैं आपसे समझूं कि आपने समझा क्या है। तो बेटा कुछ समझ में आया आपको? हाँ पापा समझ आया मेरे को। अच्छा क्या समझ में आया? कि मेरे को बार बार अपने प्रॉफिट का नहीं पूछना और इन्वेस्टमेंट को बचा होने का थोड़ा समय देना है। वाओ ग्रेट, सब समझ गई आप तो, थैंक यू सो मच। ओके पापा बाय। दोस्तों आशा करता हूँ कि जो लोग बिगनर्स हैं और जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टिंग शुरू की है वो भी समझ गए होंगे कि मैंने इस छोटी सी बच्ची के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश की है। अब मैं इस मंथ बच्चों के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा
अब आप लोगों को वो दिखाता हूँ। दोस्तों इस मंथ हम अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे और ये डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यूस बेसिस पे चालू रहेगी, तो आप लोगों को कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इस मंथ मैंने चुना है बैंक 20 को। बैंक 20 भी निफ्टी 20 के जैसे बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम है। इसमें आपका पैसा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स का पार्ट है। करंटली इसमें 12 मोस्ट लिक्विड बैंक स्टॉक्स हैं। चलिए अब मैं आपके सामने ऑर्डर डालता हूँ। हे दोस्तों, तो अब हम करेंगे श्री गणेश किसका हर घर वॉरेन बफे में इन्वेस्टिंग वाले पार्ट का। तो आज मुझे, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हर महीने 4 बच्चों के लिए 40,000 रुपये 10,000 रुपये ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, पहले एग्जीक्यूशन कर लेते हैं और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा आप लोगों को जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। उनको मिस कर दिए तो हो सकता है फिर से आप लोग कहीं ना कहीं पजल रहे, कहीं ना कहीं परेशान रहे। तो मैं आप लोगों को पहले अपनी स्क्रीन पे लेके चला जाता हूँ। आज तारीख है 13/10/2022, टाइम हो रहा है 3:24, मार्केट अभी 6 मिनट बाद बंद होने वाले हैं। तो ये रही मेरी स्क्रीन, आपके स्क्रीन आई है भी आप लोगों के सामने। तो ये मेरी स्क्रीन है जहाँ पर ये मैंने अपने अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। आज ही मैंने इसमें पैसे डाले हैं, ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे पेन लिखा हुआ है 40,000 रुपीज़ और ओपनिंग बैलेंस 95 रुपीज़ का है, जो पिछले महीने का बैलेंस अमाउंट रह गया था अकाउंट में। कमोडिटी में पैसा रखते नहीं है, कमोडिटीज़ का अकाउंट ही नहीं, इनफैक्ट एक्टिवेट ही नहीं करवाया है। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ, जहाँ पर ये हमारा स्क्रीन है जहाँ पर हर घर वॉरेन बफे। तो पिछले महीने हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 39,861 को, उसमें करीब करीब माइनस चल रहा है 3.67% और 1464.66 यानी 1465 रुपये के लगभग का नुकसान चल रहा है। तो अब हम इस महीने अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके पहले सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट किया था, अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में भी, और इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन आगे भी करता रहूँगा। इसीलिए हर महीने के वीडियोस देखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो 20,000 रुपये मैं डालूंगा बैंक भी निफ्टी 20 में और 20,000 रुपये मैं डालूंगा बैंक 20 में। तो इस तरह से आप लोगों को अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अब मैंने यहाँ पर निफ्टी 20 में बाय का क्लिक किया और 20,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगभग 20,000 / 186 तो 107 क्वांटिटी के लगभग आएगी। ये मैं इसको स्वाइप करूँगा, स्वाइप टू बाय, ये हो गया हमारा प्लेस्ड ऑर्डर प्लेस्ड और ये एग्जीक्यूशन हुआ। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बैंक 20 में लेके चलता हूँ। ये मैंने बैंक 20 में बाय का बटन दबाया और यहाँ पर 20,000 / 391 तो ऑलमोस्ट 51 क्वांटिटी हमारी यहाँ पर बाय होगी। तो ये मैं यहाँ पर स्वाइप टू बाय करता हूँ और ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये 51 क्वांटिटी अभी 391.80 का रेट चल रहा है। तो और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 4 मिनट, फिर भी हम इसको थोड़ा सा 392 का रेट डालकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 10-20-30 पैसे का इतना बार्गेन नहीं करते। अब देखते हैं फंड वैल्यू कितनी बची हुई है। यहाँ पर 170 रुपये मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है जिसको मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि 170 रुपीज़ को हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह 170 186 का निफ्टी 20 का रेट है और बैंक 20 का 391 का है। तो हम इसको इसी तरह से रहने देंगे और अभी हमारे आज के 40,000 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं हर घर वॉरेन बफे की पहल में। ये दूसरा कदम हमने रख दिया है। तो अब मैं यहाँ ये स्क्रीन को अपनी बंद करता हूँ और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बातें ये होगी कि पहली बात, लिंक मैं चाहता हूँ कि इस अकाउंट को आप एक सेपरेट अकाउंट बना के रखें। यानी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस वीडियो को इस सेगमेंट के लिए हमने एकदम सेपरेट अकाउंट रखना है और मैंने इस अकाउंट को एक्चुअली आज लॉगिन किया है लास्ट मंथ के बाद। तो एक अलग रखिए ताकि टेम्पटेशन ना हो और इस पैसे को भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। कोई भी ऐसा एनालिस्ट आपको आपके साथ 35-40 साल की जर्नी में आपका साथ निभाने के लिए आया हुआ है तो उसको थोड़ा सा हम रिलीजियसली फॉलो करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी उसको फॉलो करें, क्योंकि हम जिम्मेदार बनेंगे तभी आप लोग भी जिम्मेदार बनेंगे। तो पहली चीज़, इसके लिए एक अलग से अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर आप लोगों के पास अलग से अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चॉइस ब्रोकिंग का एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरी चीज़,
दूसरी चीज मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि ये जो वीडियो अपलोड करने का हम लोगों का प्लान है वो सेकंड वीक एंड पे करने का है। जैसे अभी 13 तारीख हो रखी है वीक, आज हमारा थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे, तो ये सैटरडे को आप लोगों के समक्ष अपलोड होगा एडिट होने के बाद। एडिट होने के लिए मार्जिन चाहिए, तो आज मैं 13 तारीख को एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, ये आप लोगों के समक्ष मंडे को आएगा। तो मंडे को जो भी भाव रहेगा आपका, क्योंकि मैं हर महीने एलोकेशन अलग अलग करूँगा, तो आप लोग मंडे को जो भी भाव रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फ्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स में कुछ भाव के फ़र्क आएंगे तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मंडे को एग्जीक्यूशन करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंडे को मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि लोग अपने मन से निफ्टी 20 तो ले ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा कि जो लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं वो गोल्ड 20 में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिल्वर ETF में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए, हम अगर कोई प्लान ऑफ एक्शन रेडी कर रहे हैं तो 35-40 साल के लिए कर रहे हैं, तो जब गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बारी होगी तो हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बारी होगी तो हम सिल्वर ETF में भी करेंगे, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमको अच्छा लगता है हम उससे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जब गोल्ड में हमें अच्छे मौके लगने लगेंगे तब हम गोल्ड में भी अपने फंड को डाइवर्सिफाई करें। अभी हम इक्विटीज़ में इंटर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे ETF वगैरह में भी इंटर करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में भी इंटर करेंगे, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेंगे जहाँ पर डिविडेंड मिलता हो, जहाँ पर बहुत सारे बोनसेस मिलने के चांसेस हों, जहाँ पर ग्रोथ स्टोरी अच्छी हो, जहाँ के मैनेजमेंट अच्छे हो, सब एनालाइज करके आप लोगों के लिए अच्छा बंच बनाने की देने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉलो वन फॉलो नन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रूर अप्लीकेबल करिएगा। अपने दिमाग से अगर करना चाहें तो सिर्फ अपने दिमाग को फॉलो करिए, इंटेलिजेंस को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ इंटेलिजेंस को फॉलो करिए। बाकी अगर आपको अभी भी लगता है कि आप अपने हिसाब से कुछ बेहतर कर सकते हैं तो नो डाउट अपने दिमाग को अपने आप को फॉलो करिए, लेकिन हर घर वॉरेन बफे की पहल में हिस्सेदार बनिए और इस पहल को बहुत आगे लेके जाएंगे हम। तो दोस्तों, मैं तो लगा हूँ अपने बच्चों को इन्वेस्टिंग सिखाने में, उनका भविष्य सिक्योर करने में और वॉरेन बफे की तरह एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की आदत डालने में। क्या आप भी उस पहल का हिस्सा बन रहे हैं जिसको हमने शुरू किया है, जो है हर घर वॉरेन बफे पहल? प्लीज़ आप भी अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए और उनका भविष्य सिक्योर करिए और इस पहल का हिस्सा बनिए। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बींग अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस फैमिली।